हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुंह में घुलने वाला बहुत ही टेस्टी आलू का हलवा। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में हम व्रत रखते हैं। जो व्रत रखते हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। तो ये हलवा इतना अच्छा बनता है, एक बार आप इसे बनाएंगे तो हर बार ही इसे बनाना चाहेंगे और ये मुँह में जाते ही घुल जाता है। आप भी इस नवरात्रि हलवे को बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं और आप खुद भी खाएं और हमें बताएं कि कैसा लगा आज का आपकी ये हलवे की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई या पैन आप कोई भी ले लीजिए। और इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने ये देसी घी डाल लिया है। तो घी को हमें मेल्ट करना है, तो मैंने गैस को अभी तेज ही किया हुआ है और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, अब मैंने आलू लिए हैं। आलू ये मेरे 250 ग्राम के करीब है और मैंने उबाल कर इनको ये देखिए बिल्कुल मैश कर लिया है। आपको बिल्कुल मैश करना है इनको, तो इनमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अच्छी तरह मैश कर कर ही आप इसको डालें। तो पहले हमें घी को गर्म कर लेना है, गैस को लो मीडियम कर ले और इस पे हम अब आलू डाल देंगे। सारे आलू को आप इसमें डाल दीजिए, तो धीरे धीरे करके आप इसको डाल दीजिए और इसके बाद इसको आप धीरे धीरे ऐसे ही मिक्स कीजिए और गैस को लो मीडियम ही रखिए। अगर आप इसको फुल तेज रखेंगे तो ये आलू नीचे से चिपक जाएंगे और हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो लो मीडियम पर ही ये हलवा बनता है। तो इस तरह से देखिए, आप इसको पहले मिक्स कर लीजिए। और अभी ये घी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जो आलू है ये इसको घी को पी लेते हैं तो सारा घी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको देखिए बनाइए। और अगर आप कम घी का पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, तब भी ये हलवा अच्छा ही बनता है। तो हमारे यहाँ पे इतना ही घी डालकर बनाते हैं, तो ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है और मुँह में जाते ही घुल जाता है। तो इसको आप लो मीडियम गैस पर धीरे धीरे इसको लगातार चलाते रहें। आपको इसको लगातार चलाना है, नहीं तो आलू नीचे से चिपक जाएगा, आलू स्टिकी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे करके भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे आपको इस रेसिपी के बारे में पता चले। तो देखिए, इसी तरह से आप इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहें, गैस को तेज ना करें, बस लो मीडियम पर ही आप इसको लगातार चलाते रहें। तो थोड़ी सी देर में ही ये कलर ले लेगा। तो देखिए, इसमें सारा घी अब आलू ने एब्जॉर्ब कर लिया है और इसी तरह से हमें इसको भूनना है। और ये जो घी अभी आलू ने एब्जॉर्ब किया, थोड़ी सी देर में ये छोड़ देगा, क्योंकि जब इसमें घी रिलीज हो जाएगा तो आलू हमारे भून जाते हैं, उसके बाद ये घी रिलीज हो जाता है। तो इसी तरह से आपको लगातार चलाते रहना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको भून रही हूँ और आप भी बनाएं तो इसको लगातार चलाते रहें। तो देखिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, पर इसी तरह से हम इसको चलाते हुए भूनना है। और ये यकीन मानिए आप, ये बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। तो देखिए, घी इसमें रिलीज होने लगा है और अभी भी ये थोड़ा सा और भुनेगा तभी तैयार होगा। इस हलवे में हमें 15 मिनट लगे थे, 15 मिनट में ये हमारा तैयार हो गया था, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको चलाते रहे और ये घी थोड़ा सा और रिलीज हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस इसी तरह से आप इसको करते रहें। तो इस नवरात्रि अगर आपने व्रत रखे हैं तो आप इसको ज़रूर बनाएं, और व्रत नहीं भी रखें तो भी माता रानी को बनाकर इसका भोग ज़रूर लगाएं। तो देखिए, इसी तरह से आप इसको तैयार करते रहें। अब ये हलवे ने देखिए घी को छोड़ दिया है, तो बस इसके बाद हमें इसमें चीनी भी डाल देनी। चीनी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। मैंने इसमें 250 ग्राम मेरा आलू था और मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग ही आप इसमें चीनी को डालें। तो मैंने इसको डाल दिया। चीनी के डालने के बाद भी चीनी भी पानी छोड़ती है, तो देखिए अब ये दोबारा से लूज हो गया है। इसे हमें दोबारा से अब भून लेना है। मैंने इसको अब गैस को तेज कर लिया है और तेज़ गैस पर ही मैं इसको अब तैयार करूँगी। इसी तरह से हमें इसे भून लेना है और ये थोड़ी सी देर में ही, 2 मिनट में ही बिल्कुल चीनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी आलू में और ये तैयार हो जाएगा। देखिए, ये
तैयार होने लग रहा है, बस कुछ टाइम और लगेगा इसमें, 1 मिनट के करीब और ये बिल्कुल दानेदार हलवा आपका बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से आप इसको चलाते रहें, और देखिए अब ये घी दोबारा से रिलीज हो गया है और चीनी इसमें आलू में एब्जॉर्ब हो गई है। अब हमारा ये हलवा ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है, इसे हम बस 1 मिनट के लिए और चलाएंगे और फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप चाहे तो मखाने भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब ये कितना मतलब देखने में भी यमी लग रहा है और देख के ही मन कर रहा है कि अभी खा लें। तो देखिए मैंने ये बनाया, मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखने में देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, कितना मतलब देखने में लग रहा है कि खा लें और माता रानी को आप इसको भोग लगाएं और फिर आप खुद भी खाएं और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा ये। तो देखिए बिल्कुल दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है, तो इस नवरात्रि में आप इसको बनाएं और आपको अच्छा लगे तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही, और यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे कुछ नई रेसिपी के साथ। हैव ए नाइस डे फ्रेंड, इंजॉय।